ये पत्थलगड़ी का जो कार्यक्रम चल रहा है, सबसे पहले तो मैं पत्थलगड़ी चलाने वाले का निंदा करता हूँ, क्योंकि संविधान बना है, शासन बना है, पूरा देश संविधान के माध्यम से चलता है, और ये खाली अपने जो विशेष अपना व्यक्ति को लेकर के और अपना जो राजनीतिक रोटी सेकने का जो काम कर रहे हैं, ये बहुत बेकार है, नहीं करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि पत्थलगढ़ी ये धर्मांतरण को लेकर के काम कर रही है, इसको हमारे भाई लोग, हमारे आदिवासी समाज के लोग समझ नहीं रहे हैं। पूरे पूरा का पूरा ये धर्मांतरण करने का एक माध्यम है। इसके माध्यम से कई ऐसे लोग हैं जो उसका नेतृत्व करने वाला कौन है, किस प्रकार का नेतृत्व हो रहा है, हेलो। तो इस प्रकार का हमारे समाज को भड़काने वाले बिल्कुल गलत तो है। यही मैं कर इसका विरोध करता हूँ, और जो भी इस हमारे छत्तीसगढ़ में हो, चाहे झारखंड में हो, झारखंड से उत्पत्ति होकर के ये पत्थलगड़ी का आ रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। और इस प्रकार का मुझे लगता है कि एक फूट डालो और शासन करो, ये नीति ला करके कुछ ऐसे तत्व के लोग हैं जिन्होंने पहले आईएएस आईपीएस से रिटायर होकर के, और ये पेपर में भी देखा हूँ कि ऐसे लोग नेतृत्व कर रहे हैं, आज क्यों उनको जब रिटायर हो गए तो क्यों सूझ रहा है? उनके हाथ में कलम का शक्ति दिया गया था, उस समय तो ऐसे किसी प्रकार का उन्होंने हमारे समाज के लिए, चाहे आदिवासी समाज के लिए, किसी प्रकार का सोचे नहीं, उनका कलम का ताकत था, उस समय कहाँ गए थे? आज वहां से निकल गए तो राजनीतिक रोटी सेकने के लिए इस प्रकार का पत्थलगड़ी का काम कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, उसका मैं विरोध करता हूँ। तो सर, ये सद्भावना रैली बोल के वहाँ पर निकाला गया था रैली के हिसाब से, और पत्थर तो वहाँ पर सद्भावना रैली निकाला गया था इसलिए कि इस तरीके का पत्थलगढ़ी को लेकर के किसी समाज को ना बरगलाए, ये लेकर के हमारे केंद्रीय मंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हुआ था। उसमें जो गलत समाज जो भीड़ था, क्या हुआ, इस प्रकार का हुआ सद्भावना रैली, तो वह सद्भावना होता है, और सबके भावना को लेकर के चलते हैं, किस तरीके का काम ना हो, तो इस प्रकार का सद्भावना रैली को निकल लेके गए, लेकिन वो जो अपने आप को शासक समझ रहे हैं, ये गलत बात है। जो पत्थलगढ़ी के नेतृत्व करता अपने आप को शासक के रूप में समझ रहे हैं, ऐसा कहाँ है जी? आज क्यों आ रहा है? चुनाव के समय, अब चुनाव होने वाला है तो दुनिया भर का चल रहा है, तो इस प्रकार का ये गलत बात है। और इसके लिए मैं तो कहूँगा कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये संविधान के खिलाफ है, संविधान के साथ खिलवाड़ है। और हमारे डॉक्टर अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर साहब ने जो व्यवस्था बना के दिया, गलत नहीं है, उसके अनुकूल चलना चाहिए। और हम रोज रोज आज देखिए पत्थलगढ़ी के रूप में कई हमारे कई समाज के लोग, आदिवासी समाज के लोग धर्मांतरण करके ईसाई धर्म अपना रहे हैं, तो ये अच्छा बात है का? अब उसको रोकना चाहिए हम लोग। आज छत्तीसगढ़ सरकार, डॉक्टर रमन जी को मैं बधाई देता हूँ कि हर कौम को लेकर के गरीब की सेवा करते हुए उन्होंने आज दो वक्त की रोटी के लिए मोहताज होना पड़ता था, दाने दाने के लिए मोहताज होना पड़ता था, आज सभी वर्ग के लोग और उनकी योजना, छत्तीसगढ़ सरकार की योजना, डॉक्टर रमन जी की योजना, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का योजना, ये गरीबों के हित के लिए है, हमारे देश के हित के लिए, हमारे छत्तीसगढ़ के हित के लिए, ऐसी कामों में लगना चाहिए। और ये कहाँ से ले लाए, समाज को विघटित कर रहे हैं, समाज को तोड़ रहे हैं, समाज को अव्यवस्थित कर रहे हैं, ऐसे नेतृत्वकर्ता को बिल्कुल साथ नहीं देना चाहिए, बकसना भी नहीं चाहिए, मैं इसका घोर विरोध करता हूँ।